दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है एंड मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। दोस्तों, जो इस प्रोजेक्ट का नाम है वो है गिटकॉइन और इनका जो टोकन है GTC टोकन, वो कब मतलब रिसेंटली मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो इसीलिए आज के वीडियो जो है उस बारे में मैं बात करूंगा कि आखिर ये जो दोस्तों गिटकॉइन कम्युनिटी है वो क्या है और इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स मुझे क्या दिखती है और जो ये एंटायर ओपन सोर्स कम्युनिटी है वो क्या काम करती है और ये जो दोस्तों टोकन है उसका यूज केस क्या है। तो दोस्तों काफी सारी चीजें आज के वीडियो में कवर करने के लिए, तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको परसेप्शन देता हूँ कि ओपन सोर्स डेवलपमेंट क्या होता है और गिटकॉइन कहाँ पे प्लेस होता है इन दिस एंटायर ओपन सोर्स कम्युनिटी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप में से जिन लोगों को भी पता होगा कि ये जो दोस्तों एंटायर ओपन सोर्स कम्युनिटी, यहाँ पे जितना भी डेटा वगैरह है, मतलब मान लो एक पीयर टू पीयर बेसिस पे काम होता है। तो अगर मैं एक क्लाइंट हूँ जिसको मुझे बनवाना है एक, मान लो कोई भी फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट बनानी है मुझे, अब मैं जो वो लिस्टिंग है उसका मैं डाल दूंगा गिटकॉइन पे और जो पीयर टू पीयर सिस्टम है बेसिकली, उससे क्या होगा कि एक डेवलपर मेरे साथ मैच होएगा या फिर अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो मेरे पे कंट्रीब्यूट करेगा जो मेरा इंटायर कोड वगैरह है और ये सब जो भी डेटा वगैरह है वो पब्लिकली अवेलेबल होगा और जो एंटायर कम्युनिटी है वो बेसिकली एक साथ कोलैबोरेट करके विदाउट द नीड ऑफ एनी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी काम कर सकती है ऑन दी गिटकॉइन प्लेटफॉर्म। और ये सब चीज़ों के लिए गिटकॉइन जो है थोड़ा सा एक परसेंटेज रखता है फ्रॉम दैट एंटायर जो भी मतलब बाउंड्री रिवॉर्ड्स वगैरह होती है उसमें से। तो ये है बिल्कुल ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि गिटकॉइन कहाँ पे प्लेस होता है। अब यहाँ पे दोस्तों इनका जो वेबसाइट है gitcoin.co, यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पे ये जो है एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं जो कि डिजिटल पब्लिक गुड्स पे काम कर रही है, क्रिएटिंग फाइनेंशियल फ्रीडम एंड डिफाइनिंग द फ्यूचर ऑफ ओपन सोर्स वेब। यहाँ पे दोस्तों इनके जो प्लेटफॉर्म का एक बहुत ही कूल फीचर है वो ये है कि यहाँ पे आप लोग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को फंड भी कर सकते हो अपने वॉलेट से और यहाँ पे जो है मिलियंस इन डॉलर्स इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे 23.2 मिलियन डॉलर्स फंडिंग हो चुकी है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 161,000 एक्टिव डेवलपर्स है जो कि काम कर रहे हैं गिटकॉइन प्लेटफॉर्म पे। और ये जो है एक वेब थ्री इकॉनमी के बारे में है और जो ओपन एम्पावरिंग कोलैबोरेटिव एक बेसिकली नेटवर्क है जहाँ पे आप लोग डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। आप लोग अगर कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे, ये जो दोस्तों टोकन है GTC टोकन ही है, रिसेंटली मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक प्रोजेक्ट लगा क्योंकि अगर आपने कभी भी लाइक किसी भी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया रहेगा तो आपको इनके वेबसाइट से मिला होगा अराउंड 25 या 24 GTC, मुझे भी मिला था। तो वो टोकन्स आपको मिले होंगे अपने वॉलेट पे, तो आप उसको एक बार चेक कर लो इनके वेबसाइट पे लॉगिन करके, आपको गिटहब से लॉगिन करना होता है। अब दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल गूगल सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिलेंगी कि गिटकॉइन जो है वो कैसे काम करता है, कि ये अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जहाँ पे फ्रीलांसिंग डेवलपर्स जो है वो पेड हो सकते हैं बाय वर्किंग इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कोई भी हो सकता है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। अब यहाँ पे रिसेंटली जो है दोस्तों गिटकॉइन लिस्ट हुआ है बाइनेंस पे और इसका इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जो प्राइस है वो गया था ऑलमोस्ट $24 तक, बट अभी इसका जो लाइव प्राइस है वो आई थिंक कुछ $5.38 का है। तो अगर आपको GTC टोकन खरीदना है आप इसको बाइनेंस से खरीद सकते हो। बट दोस्तों खरीदने से पहले समझते हैं कि कॉइन मार्केट कैप पे इसकी क्या फंडामेंटल्स है। तो यहाँ पे इसकी जो मार्केट कैप है वो है $76 मिलियन की और जो फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है वो है $539 मिलियन की। जो मैक्सिमम सप्लाई है वो आप देख सकते हो 100 मिलियन टोकन्स की और उसमें से ऑलरेडी आई थिंक 14 मिलियन टोकन्स सर्क्यूलेटिंग सप्लाई में है। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एक लॉन्ग टर्म विजन की बात करूँ, क्योंकि ये एक बेसिकली काइंड ऑफ ओपन सोर्स कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, नाम भी काफ़ी मतलब एक अच्छा जेन्युइन प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है। और तो लॉन्ग टर्म के लिए जो इसका GTC का जो बेसिकली जो इसका गवर्नेंस टोकन है गिटकॉइन एंटायर नेटवर्क का, वो लॉन्च हुआ था लेट May 2021 में। तो लास्ट महीने ही मैंने आपको भी बताया कि काफ़ी सारे जिन्होंने भी मतलब कॉन्ट्रीब्यूट किया रहेगा इनके किसी भी फंड रेजिंग वगैरह में, तो उनको मिला होगा GTC टोकन। तो मुझे भी मिला था बट मैंने गलती किया कि मैंने इसको पहले सेल कर दिया क्योंकि मुझे इसके यूज़ केसेस के बारे में पता नहीं था। तो वो उस टाइम पे मैंने सही उसको $5 समथिंग सेंस में सेल किया था 25 या ऐसे कुछ टोकन्स को, तो मुझे अराउंड $130 के आसपास मिले थे। बट उसको सेल करने के बाद मैंने सोचा कि ये जो दोस्तों प्रोजेक्ट है वो किस बारे में, और मैंने इस पर और भी मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्स निकाली कि जो गिटकॉइन टोकन है उसके यूज़ केसेस क्या है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको गौर से देखोगे तो। तो ये जो दोस्तों बेसिकली गिटकॉइन के प्राइस एस्टिमेट्स है वो भी मतलब बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि अभी जो ये टोकन $5.39 का है, इन द नेक्स्ट 5 or 10 years में भी ये $50 से $100 पर टोकन जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है बट ये हो सकता है क्योंकि बहुत ही इजीली ये पॉसिबल। अगर आप इसके सप्लाई को देखोगे कुछ 100 मिलियन टोकन्स ही है
और इसकी जो यूज़ केसेस ही बेसिकली एंटायर ओपन सोर्स कम्युनिटी को टारगेट करता है, जो कि बहुत ही बड़ा मार्केट है। तो और अगर मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, आज की डेट में जो ये प्रोजेक्ट है वो मुझे काफ़ी हद तक अंडर वैल्यूड लगता है, और ये मैं कह सकता हूँ कि अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है, क्योंकि काफ़ी मतलब इसके आप ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखोगे 24 आवर्स में पर 16 मिलियन डॉलर्स का है, जो कि काफ़ी काफ़ी कम है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मैंने रिसेंटली ऐड किया है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो, कहाँ से खरीद सकते हो? बाइनेंस पे। अगेन ये मैंने आपको बताया कि लिस्टेड है, काफ़ी सारे इसके पेयर्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डेक्स से खरीदना है, जो कि है मतलब बेसिकली जो भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, तो वो यूनिस्वाप पे आपको मिल जाएगा इजीली। तो आप उसको इंपोर्ट कर लेना और फिर आप उसको स्वाप कर सकते हो यूनिस्वाप V2। तो ये एक और प्लेस है जहाँ से आप खरीद सकते हो GTC टोकन को। और बेसिकली इतना ही नहीं रहेगा इस वीडियो में। मैंने ये प्रोजेक्ट रिसेंटली डिस्कवर किया, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो आप लोग कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करो कि आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, और अगर खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगता है। तो अगली वीडियो में मिले, तब तक के लिए बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। बाय।